जानते हैं, हम खुद नहीं जानते हैं। वार्ड मेंबर को कोई भी चीज़ के लिए अगर हम कहते हैं तो वो डायरेक्ट कहते हैं कि हमको कुछ पता नहीं, टेम्पो चलाने से फुर्सत नहीं है। यानी वार्ड मेंबर जी टेम्पो चलाते हैं। हाँ हाँ, क्या करेंगे, बेरोजगार हैं, उनको जानकारी है ही नहीं कुछ कि कहाँ से फंड आएगा, क्या आएगा, नहीं आएगा। वो खाते तो पता नहीं लगने देता है। आएगा तो पता कैसे चलेगा। इसलिए देखिए भैया, आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि अगर अपने गांव समाज को स्वच्छ रखना है, अपने टोला को स्वच्छ बनाना है, हम वोटर हैं ना, हम कोई मामूली आदमी है, वोटर हैं, मतदाता हैं, वैल्यू है एक वोट का, एक वोट से हार और जीत हो जाता है। वार्ड का चल का ये है कि पूरा पता लग जाना चाहिए कि क्या। तो ये है दर्जी टोला का स्थिति। आप लोग खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए कि ज्यादा सिर्फ वार्ड नंबर 7 के काम होने के लिए। अब वार्ड नंबर 7 में अगर 30 से 35 लाख का काम हो जाए तो ये पटना से कम दिखेगा ना? बहुत अच्छा रहेगा कि हाँ, लेकिन वार्ड मेंबर जी खुद ऑटो चलाते हैं, क्योंकि भैया वो बेरोजगार है, उनको कुछ मालूम नहीं है। अगर वो रोजी रोटी नहीं कमाएंगे तो उनका भी बाल बच्चा भूखा मरेगा, ठीक है। इसलिए जागरूक इंसान को ही अपना प्रतिनिधि बनाए जो हमारे समाज का विकास करे। होबे करेगा, तो आप जो आज के डेट में अगर जात और पात अगर हम लेके चलेंगे तो नहीं होगा, तो ये बहुत खतरा है हमारे और आपके लिए और आपके समाज के लिए जी। क्योंकि जितने भी राजनेता हैं सिर्फ जात पात से ही लेके अपना वोट बनाते हैं, अपना मकसद निकालने के जी बिल्कुल। इसलिए मतलब हम लोग छोटे कास्ट से आते हैं, इसलिए हम लोग का ज्यादा तरीके से सुनवाई कुछ भी नहीं है। हम लोग जहाँ जाते हैं तो हम लोग को समझा दिया जाता है और फिर कहता है जाइए आप घर, आपका काम हो जाएगा। आज आपके देश का राष्ट्रपति वो भी बैकवार्ड से आता है, नरेंद्र मोदी जी बैकवार्ड से, तो जात पात से तो शायद नहीं होना चाहिए, लेकिन गांव की राजनीति जात पात पे ही निर्भर करती है। आपकी बात बिल्कुल सही है, आगे देखते हैं। जो है लाइव दिखा दीजिए कि हमारे टोला का स्थिति बहुत खराब है, कि शायद कहीं आपके द्वारा किसी प्रतिनिधि का आंख खुले और इस टोला का विकास कर दे, ठीक है। तो आप मत क्या चाहते हैं प्रतिनिधि से, आपके टोला का इतना स्थिति खराब है। आप लोग तो हमेशा से गांव में रहते हैं, समाज के सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, तो ऐसी स्थिति क्यों है हमारे टोला के कि आज तक कुछ काम नहीं हुआ, ना सड़क है ना कुछ है, चौक चौराहा पे सोलर लगा है लेकिन हमारे मस्जिद में एक भी सोलर नहीं है, अंधेला पड़ा रहता है। तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे कि मतलब अपने क्षेत्र के विकास क्यों नहीं हुआ, अपने टोला का विकास क्यों नहीं हुआ? ध्यान एक भी जरा नहीं देता है, मेन कारण ये है। अब प्रतिनिधि को हम लोग कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हम लोग को जानकारी ना कुछ बोलते हैं तो वो एक्शन लेता है, कुछ अगर आने वाला भी फंड होता है तो हम लोग को नहीं मिल पाता है, जो मेरे हिस्से का भी फंड होता है उसे ब्रेक कर दिया जाता है, इसलिए हम लोग नहीं बोलते हैं, डर के रहना पड़ता है। चार घर हम लोग मुस्लिम है, उसके लिए डरना पड़ता है, अगर नहीं डरेंगे, अगर किसी से सामने वार जवाब करेंगे तो वो डायरेक्ट वार करेगा, इसलिए हमारी मजबूरी है जीने के लिए, तो अच्छा करना होगा। नहीं, लेकिन आज के डेट में कोई किसी को ये नहीं बोल सकता है कि तुम ये जात के हो और ये जात के हो, इसलिए कि अगर कोई बड़ा आदमी है तो अपने लिए है, ठीक है, हम अगर छोटा है तो अपने लिए है। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे कि इस टोला का विकास क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ आज तक? कोई इसका यही जो हुआ था, यानी विकास से किसी को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि किसी की बात सुनी नहीं जाती है। हाँ। या वार्ड सचिव जो है उसको मतलब कहा भी जाए कि हमारे वार्ड का सर्वे किया जाए और सर्वे करके हमारे प्रतिनिधि जो मुखिया है चाहे जिला परिषद है उसको दीजिए कि हाँ इस वार्ड का विकास हो, तो वो बिल्कुल नहीं सुनते। हम सबसे कमजोर समझते हैं कि हमारे मुखिया क्या करेंगे, जब तक हमारे घर का आदमी उसको कंप्लेंट करके देगा तब ना हमारा मुखिया सुनेगा जी बिल्कुल। तो सबसे पहले जिसे हम नीचे पे जीना होता है एक चढ़ने का, जैसे पहला कदम चलते हैं फिर ऊपर चलते, तो हम नीचे वाले को कुछ कहते वो कभी सुनता ही नहीं, बस अपने खाने पीने के लिए रहता है लगा हुआ, बाकी कुछ नहीं करता है। हम लोग को कुछ मिलती ही नहीं तो क्या करें। उस रोज आया था कहे हम लोग, तो कहा हम लोग के पास कुंची है कुछ नहीं है। कौन बोला?